नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास है, क्योंकि कनाट प्लेस के अंदर काके द होटल की जो फ्रेंचाइजी है वो रेवाड़ी के अंदर खुल चुकी है। जो नॉन वेज के शौकीन हैं वो दिल्ली जाते थे खाने के लिए, लेकिन अब उनके लिए रेवाड़ी के अंदर ही ये जो काके द होटल है ये शुरू हो चुका है। हमारे साथ में जो ओनर है वो साथ में है, वो बताएंगे कि क्या कुछ स्पेशल है। और इनका ये दावा है कि अब तक जब से काके द होटल शुरू हुआ है और तब से अब तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा चिकन करी वो सेल कर चुके हैं। क्या कॉन्सेप्ट है सर ये? और नाम बहुत सुना है काके द होटल का, तो क्या कुछ खास डिश है इसकी? और रेवाड़ी में आप लेके आए हैं तो क्या कहेंगे सर? ये काके द होटल जो है ये फेमस है दिल्ली के कनॉट प्लेस से जी। ये स्पेशली अपने नॉनवेज डिशेस के लिए फेमस है। इसमें जैसा आपने बताया अभी चिकन करी, काके द होटल का क्लेम है कि 1931 जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी लाहौर से, लाहौर में 1931 में काका साहब ने ये शुरुआत करी थी। और पार्टीशन के बाद जब वो हिंदुस्तान आए तब कनॉट प्लेस में आउटर सर्कल पे एक दुकान लेकर इन्होंने काके द होटल दोबारा हिंदुस्तान में शुरू करा। और तब से लेकर आज तक ये 1 करोड़ से ज़्यादा चिकन करी अपनी सेल कर चुके हैं। सबसे फेमस डिश भी हमारी वही है मेन कोर्स में चिकन करी। और भी बहुत सारे इनके खुद के इनोवेशंस है, भट्टी का मुर्ग है, जीरा चिकन है, इन्होंने रिसेंटली अभी ऐड किया है अपने मेन्यू में। हमारे पास एक वैरायटी है पूरी डिशेस की, स्नैक्स में, मेन कोर्स में, मटन में दही वाला मीट और साग वाला मीट ये बहुत फेमस है दिल्ली में, मशहूर ही साग वाला मीट से आजकल। और तब से लेके अभी तक ये जो है अच्छा अपना एक नाम इस्टेब्लिश किया है काके द होटल ने दिल्ली में। एक बात ये सामने आती है कि जो टेस्ट है जो कनॉट प्लेस में मिलता है वो यहाँ मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि फिर सेफ की चीज़ें आप अलग अलग चीज़ें रहती है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि जो सेफ है वो ट्रेंड है, तो आप किस तरह से वही टेस्ट यहाँ दे पाएंगे? सर बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पास जितना भी स्टाफ है कोई भी लोकल स्टाफ नहीं है, सारा स्टाफ काके द होटल का ही ट्रेन किया हुआ स्टाफ है। और यहाँ तक कि हमारे जो हेड शेफ़ हैं वो भी काके द होटल के पिछले 35 साल से काके द होटल के साथ जुड़े हुए हैं, 35 साल पुराने शेफ़ हैं वहाँ उनके, और एक्सपीरियंस तो उनको और भी ज़्यादा है। तो कनॉट प्लेस में जो मेन शेफ थे आज की डेट में वो शेफ़ अभी हमारे पास हैं और हमारे लोगों को अभी भी वो ट्रेन कर रहे हैं। एक चीज़ ये देखी जाती है, जैसे रेवाड़ी में आपने स्टार्ट किया, तो रेवाड़ी में नॉन वेज के जो लोग खाने वाले लोग हैं वो सिटिंग उनके लिए, फैमिलीज़ के लिए शायद नहीं है। आपने भी अगर सर्वे किया होगा जब खोलने से पहले, तो आपके पास किस तरह के प्रबंध हैं यहाँ पे? सर ये हमने एक बिल्कुल ही फैमिली रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट पे इसको रेडी करा है। हमारे पास जो हमारी सिटिंग कैपेसिटी है वो करीब 50 लोगों की है। हमारे फर्स्ट फ्लोर में, बेसमेंट में दोनों जगह सिटिंग है। और बिल्कुल ऐसा है, एक कॉन्सेप्ट है रेवाड़ी में कि फैमिलीज़ बाहर कम जाती हैं, शहर के अंदर फैमिलीज़ के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सब साथ में जाके पूरा परिवार बाहर जाके एंजॉय कर सके। तो उसी चीज़ को हमने सोच के कि प्लस एक हम जब हम सर्वे ही कर रहे थे उस टाइम पे कई लोगों का ये भी कहना था कि लोग बहुत शौकीन हैं यहाँ पे खाने के रेवाड़ी में, और लोग चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें, अच्छा ब्रांड शहर में आए ताकि वो लोग जो है अपने फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने के लिए बाहर निकल सकें। अभी भी हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो थोड़ा हिचकते हैं आने के लिए, फैमिली के साथ एंटर करने के लिए पहले आते हैं, देख के मुआयना करके जाते हैं, उसके बाद कंफर्टेबल। आप डिलीवरी की बात करें, जोमेटो के अलावा क्या और प्लेटफॉर्म है? सर हमारी सेल्फ डिलीवरी भी है, एब्सोल्युटली फ्री, ऑब्वियसली मतलब एक सर्टेन अमाउंट हमारा कैपिंग है जी जी। तो उसके बाद पैन रेवाड़ी आप कहीं पे भी मंगा सकते हैं, हम डिलीवर करेंगे। तो कुल मिलाकर रेवाड़ी के अंदर काके द होटल की शुरुआत हो चुकी है, और जो इसका टेस्ट है जैसा कि बता रहे हैं कि जो कनॉट प्लेस में जो टेस्ट है वही टेस्ट आपको रेवाड़ी में मिलेगा। इसके लिए अगर आप होम डिलीवरी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही जोमेटो के थ्रू भी आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं।